नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुर का सुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुर संगम पे। तो पिछले लेसन में अपन ने कवर किया था टोन और सेमीटोन। तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखेगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो उसी से रिलेटेड होगा, उसी से आगे का टॉपिक आज अपन करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि स्किल्स क्या होती है। जब भी मैं स्केल बोलता हूँ तो आपका क्या मतलब होता है स्केल का? तो स्केल आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल में जाते हैं तो ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक स्केल करके एक होता है, उससे अपन डिस्टेंस मेज़र करते हैं, राइट? तो स्केल वहाँ पे तो अपने को डिस्टेंस मेज़र करने में आता है, जैसे अपन सेंटीमीटर्स 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, उससे अपन डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है? तो स्केल क्या होती है म्यूज़िक में? म्यूज़िक में भी वही है, मेजरमेंट ही करना है अपने को, डिस्टेंस ही पता लगा ली है, लेकिन सुरों की डिस्टेंस, एक सुर से दूसरा सुर कितना दूर है। तो देखते हैं क्या होती है स्केल्स। तो स्केल्स शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि स्केल्स कितने टाइप की होती है। जनरली जो स्केल्स होती है, अपन दो तरह की स्केल सीखते हैं, एक होती है मेजर स्केल, दूसरी होती है माइनर स्केल। तो वैसे तो और भी तरह की स्केल्स होती है बहुत सारी, पेंटाटोनिक, ब्लूज़, है ना? तो जनरली ये जो दो स्केल्स होती है ये अपने काम में आती है मोस्टली, जो आपके गाने होते हैं, वजन्स होते हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। कुछ आधे एक होते हैं जो एडवांस स्केल्स पे होते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेजर स्केल और माइनर स्केल। अच्छा, जैसे आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मैं सी शार्प में गा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि वो सी शार्प के सारे गामा पद नहीं चलेगा। कोई कहता है मैं डी माइनर में गाऊंगा, तो उसका मतलब होगा वो डी माइनर के सारे गामा पद नि सा काम में लेगा, उसी स्केल पे गाएगा, वही स्वर यूज होंगे, ठीक है? उससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मेजर स्केल देखते हैं अपन। मेजर स्केल क्या होता है कि आपकी बहुत सारे गाने होते हैं मेजर स्केल्स में कवर हो जाते हैं, मेजर और माइनर। लोगों का जनरली ये कहना होता है कि मेजर स्केल्स जो होती हैं वो हैप्पी होती हैं और माइनर स्केल्स जो होती है सैड होती है। ऐसा नहीं होता है, उल्टा भी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ सैड सॉन्ग्स होते हैं जो मेजर स्केल्स में होते हैं और हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं वो माइनर स्केल्स में होते हैं। तो ये बस एक गाने बनाने का तरीका होता है, अपना अंदाज होता है कि आप उसको कैसे फिट करते हैं। तो आइए अपन देखते हैं मेजर स्केल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्केल शुरू करने से पहले एक आप वर्ड लिख लीजिए अपने नोटबुक में, रूट नोट, ROTE, रूट नोट, ठीक है? तो सपोज रूट नोट से मेरा क्या मतलब है, जब भी मैं रूट बोलता हूँ, रूट का मतलब जड़। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी रूट्स इंडिया में, जो बाहर रहते हैं इंडिया के, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, दैट मीन्स रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, मतलब शुरुआत हमारी जो पीढ़ी की शुरुआत हुई है वो इंडिया से हुई है। तो रूट मतलब होता है शुरुआत, इन जनरल सेंस आप देखिए पेड़ की जो जड़ होती है रूट, तो मतलब वहाँ से पेड़ शुरू होता है। तो देखिए रूट नोट क्या होता है, जैसे कोई भी स्केल है, सपोज मैं सी स्केल प्ले कर रहा हूँ, आइदर मेजर और माइनर, या तो मैं मेजर प्ले करूँ या माइनर, रूट नोट क्या होगा, जहाँ से मैं स्केल शुरू करूँगा। जैसे कोई मेरे को बोले सी मेजर का रूट नोट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सी, क्योंकि मैं सी से सारे गामा पद नहीं चलूँगा। कोई मेरे को बोले डी स्केल का रूट नोट क्या होगा, तो डी स्केल, ऑफकोर्स जो डी से स्टार्ट होगा, डी से सारे गामा पद लोगे तो आप डी से स्टार्ट करोगे, तो डी स्केल का रूट नोट क्या हो जाएगा, डी। माइनर में भी डी होगा और मेजर में भी डी होगा, क्योंकि शुरू तो आप एक ही जगह से करेंगे, राइट? आगे के नोट्स ज़रूर बदल जाते हैं लेकिन स्टार्टिंग हमेशा स्केल की वहीं से होती है। अगर सी मेजर स्केल है तो सी से होगी, सी माइनर है तो भी सी से होगी, तो दोनों के केस में रूट नोट क्या हो जाएगा अपना, सी। देखिए कोई आपको बोले ई मेजर का रूट नोट, ई, एफ का रूट नोट, कोई बोले जी स्केल का रूट नोट, तो जो हो जाएगा जी, ए स्केल का रूट नोट,
ए बी स्केल का रूट नोट बी, वैसे ही शार्प्स में होता है, सी शार्प का रूट नोट सी शार्प, डी शार्प का रूट नोट डी शार्प, एफ शार्प का रूट नोट एफ शार्प, वेरी गुड, जी शार्प स्केल का रूट नोट जी शार्प, ए शार्प स्केल का रूट नोट ए शार्प। तो अब ये रूट नोट काम कहाँ आता है अपना, ये आपको काम आएगा स्केल्स में काम आएगा, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, ये आपको कॉर्ड्स में काम आएगा, कॉर्ड्स के जो अपन फॉर्मूला बनाएंगे उसमें भी काम आएगा। तो आइए देखते हैं कि अपन स्केल कैसे बनाते हैं। मेजर स्केल का फॉर्मूला लिखी जा, हेडिंग डाल लीजिए मेजर स्केल और उसके नीचे लिखिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आप लिखिए रूट नोट, देन आप लिखिए टोन, देन अगेन टोन, देन आप लिखिए सेमी टोन। ये आपका हाफ फॉर्मूला हो गया, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए एक, देन एक नया ब्रैकेट लीजिए उसमें लिखिए आप टोन टोन, देन अगेन टोन एंड देन लास्ट में सेमी टोन। तो अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना होगा, अगर आप देख पा रहे हैं। मैं एक बार वापस से फॉर्मूला बोल देता हूँ, फॉर्मूला आपका बनेगा रूट नोट टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन। तो आइए अब देखते हैं इसका क्या मतलब होता है फॉर्मूले का। तो फॉर एग्जांपल मेरे को सी मेजर स्केल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सी मेजर के लिए मैंने आपको बताया था कि रूट नोट क्या हो जाएगा, सी मेजर है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, सी से। तो देखिए सी ये रहा मेरा रूट नोट। अब मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलता हूँ, आप देखिए रूट नोट के बाद आ रहा मेरा टोन। तो आप देखिए मैंने आपको टोन और सेमी टोन वाले वीडियो में अच्छे से बताया था कि टोन और सेमी टोन क्या होता है। तो देखिए सी का टोन क्या हो जाएगा, डी, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में सी डी, यहाँ तक आ गया अपन। इस टोन के बाद में वापस क्या आ रहा है, टोन। तो डी का टोन क्या आएगा, ई, देखिए बहुत अच्छे। अब देखिए एक सेमी टोन आ रहा है, तो ई का सेमी टोन क्या होगा, ई का जस्ट अगला बटन, अपने को देखना की सीक्वेंस आपको याद करना है, ई के बाद कौन सा की आता है, एफ की सीक्वेंस में। तो देखिए ई के बाद एफ, तो ये अपना आधा फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, राइट। अब देखिए अपन दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, आप देखिए टोन आ रहा है फिर से। तो एफ का टोन क्या होगा, आपने लास्ट यहाँ पे सेमी टोन पे छोड़ा था, तो ई का सेमी टोन एफ हुआ। अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए टोन, तो मतलब एफ का टोन लेना है आपको, ठीक है। तो एफ का टोन क्या हो जाएगा आपका, देखिए जी, ये टोन हो गया। अगले टोन पे चलते हैं, जी का टोन क्या हो जाएगा आपका, देखिए जी का टोन ए, वेरी गुड। एक और टोन आ रहा है मेरे पास, तो देखिए ए का टोन क्या हो जाएगा, देखता हूँ मैं ए का टोन क्या हो जाएगा मेरा, ए का टोन हो जाएगा बी, वेरी गुड। अब देखिए सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सेमी टोन आ रहा है आपका, तो बी का सेमी टोन क्या होगा, आप देखिए की सीक्वेंस याद कीजिए अच्छे से। तो अगर मैं ये सारे नोट्स एक साथ प्ले करूंगा, सॉरी अगर मैं ये सारे नोट्स एक साथ प्ले करूंगा तो कुछ इस तरीके से साउंड आएगा, तो ये देखिए ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई सी भी मेजर स्केल आराम से बना सकते हो, और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए उसके लिए। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से अच्छा क्लियर करूँगा, जैसे आपने पहले टोन सेमी टोन सीखा था, फिर देखिए आप उसी टोन सेमी टोन का आपका यहाँ पर स्केल फार्मूला में यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही करके अच्छे अच्छे अपन स्टेप बाई स्टेप सीखते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा।
आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें बताइए आपको ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं पियानो की फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस कैसी लग रही है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। और आप बस रेगुलर बनी रहिए इस चैनल से, आप बहुत अच्छा सीखेंगे, ये हमारा दावा है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट एक ही चैनल पे प्रोवाइड हो। जनरली यूट्यूब पे सारा कंटेंट जो होता है एक चैनल पे प्रोवाइड नहीं होता, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट एक ही चैनल पे मिल जाए, ज़्यादा चैनल सर्च करने की आपको नौबत ना आए और आप अच्छे से सीखें। वही हमारे लिए एक खुशी की बात होगी कि आप इस चैनल से पियानो सीख पाएंगे। तो आप इस फॉर्मूला को एक दो बार रिवाइज़ कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा सी मेजर स्केल निकालने का। रूट नोट, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन, और इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी ये निकल गई हो, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो आप इसके आगे की स्केल निकाल सकते हैं, जैसे डी मेजर, ई मेजर, दो तीन स्केल आप निकालने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।